अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब खान और आप देख रहे हैं नेशनल का पाकिस्तान। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, इसकी खास तारीखी अहमियत है। ये जगह सिख मजहब के बानी गुरु नानक की जय पैदाइश है। जी हाँ, मैं मौजूद हूं ननकाना साहब में। सो लेट्स एक्सप्लोर ननकाना साहब। गंदम की वो फसल है जो दुनिया में सबसे पहले इंसान ने उगाई थी, जिसमें से मकई और गन्ना भी आता है। कुछ लोग गंदम की कटाई के बाद इसको पैक भी कर रहे हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है भाईजान, आप लोग खैरियत से? ठीक ठाक है, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। कटाई के बाद सारी चली जाएगी, किधर जाती है? मालका ने घर में जाओगी, घर में गोदाम में जाओगी। एक रोटी की गंदम की बात करूँ तो इस एक टुकड़े में 20 दाने होंगे, इनने एक किलो रोटी बन जाती है। ले जी, ये एक रोटी की गंदम, आप सोचे कि हम लोग कैसे खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। ये एक रोटी की एक किलो नहीं है, पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब दोनों साइड पे इस कटाई को बड़ा त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। बहुत ही एंजॉय किया जाता है इस फेस्टिवल को, बहुत सारी जगहों में इसकी खुशियां मनाई जाती है। आई थिंक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पार्ट मैं प्ले करूँ, थोड़ी सी कटाई करके देख तो लूँ। ये लोग तो ऐसे काटते, ऐसे हाथ चला के फौरन कैसे करते हो? जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा आसान लग रहा है, देखते हैं, लग ट्राई करते हैं। मुश्किल काम है, मुझे लगता है कि अगर मैं ये फसल को कोई 20 फुट का टुकड़ा भी काटूंगा, 4-5 लीटर पानी तो पी जाऊंगा। प्यास बहुत लग रही है, बड़ा एनर्जी वाला काम है भाई। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूँ ननकाना साहब के स्ट्रीट्स में और बहुत ही गहम है कि भाई इतने सारे हमारी सिख बरादरी यहाँ पे आई हुई है। सब लोग इंडिया से आए हुए हैं? सब। कैसा लगा आपको आज यहाँ पे आना? कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? आपका ताल्लुक अमरीक से? ये तो आपके लिए बहुत बड़ी जगह है ननकाना साहब, ये हर सिख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अकाल पंथ पे जो लोग मत्था टेकते हैं, जी जी, ननकाना साहब पे मत्था टेकना जरूरी हो गया। आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? 85। जबरदस्त, आप इंडिया से आए? ये तीसरी बार आए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये रूप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का लाडला रूप है। अच्छा, इन्हें लाडली फौज कहा जाता है। ये वो कहते हैं जी ड्रेस कोड इसका ये है कि इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो आप उस फौज या उस फोर्स का मेंबर कहलाएंगे। इस कॉज के लिए, इस चीज के लिए देखे कितनी इनकी डेडिकेशन है कि इस उम्र में यहाँ तक इस एज में चल के आए। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान, जो कि गुरु नानक की जय पैदाइश है और बहुत ही खूबसूरत जगह, मेजेस्टिक बिल्डिंग्स। और सबसे खास बात इस सारे बैसाखी मेले की जो रौनक है वो यहाँ पे अब आपको काफी सारी नजर आएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस इवेंट। जी हम रेजिडेंशियल ब्लॉक में मौजूद है, हमारे चारों तरफ जो सिख यात्री हमारे मेहमान इंडिया से तशरीफ लाए वो यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। और बड़ी गहमा गहमी अब देख रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं और बड़ी चहल पहल है। और हमारे साथ हमारे एक मेहमान आए हुए इंडिया से, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? नाम है जोगिंदर सिंह। अच्छा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम कभी इधर आएंगे। अच्छा, पहले आए हैं इधर? नहीं सर, मगर आज हमारे दिल में इतनी खुशी है। हाँ, कि हम बहुत खुश हैं कि हमने इधर आकर आप दर्शन किए हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फेस्टिविटी का अगर एक लफ्ज इजाद हुआ है मेरे ख्याल में, वो इस दिन के लिए हुआ है। अमेजिंग पार्टीज के खवातीन, मर्द, हजरात, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ बैठे हुए, देयर कंट्रीब्यूटिंग सो मच। पकाएंगे क्या इसे आप लोग? सब्जी की क्या डलेगा इसमें? मटर डलेंगे, आलू डलेंगे। ये खाना इतना मजे का बनना है, इतना मजे का बनना है। ये सारा आपकी
प्यार मोहब्बत जिसमें आप डाल रहे हैं ना, जो हम खाने में मिर्च मसाले जो और चीज़ें डालते हैं उससे तो लज्जत आती है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ खाने में खाने में प्यार जब तक नहीं होगा ना, दिल से नहीं बनेगा और इस तरह बनेगा बहुत मज़े का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहमान नवाजी का इतना खूबसूरत मुजाहरा आप देखें कि लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखें साहब आए और चलते गए और उन्होंने देखा कि आलू कट रहे हैं और उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। बहुत ही खूबसूरत रिवायत। और मेरे ख्याल में मेहमान की हम तो आमतौर पे घर में आते खाना खिलाते हैं, लेकिन हाथ से पकाना उनके लिए और इतने सारे मेहमानों के लिए, दैट्स जस्ट एन अमेजिंग। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक सेक्शन देखा था जिसमें सब्जियों की कटाई और मटर छीले जा रहे थे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े लार्ज साइज की कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। जब मैंने ये सब्जी देखी ना, मैंने कहा ओहो, ये तो देखने से इतनी खूबसूरत लग रही है, आई एम श्योर बहुत ही मजे की बनी होगी। एक वक्त में कितने लोगों का खाना बनाते होंगे अंदाजा आपको? भाई न करे, 5,000 आदमी भी होते हैं, 6,000 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 3 अच्छा, भी होते हैं। इतना मुश्किल काम है ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में पकाना। एंड सी यू कैन सी स्टिल सी के आलू टूटा नहीं है, भिंडी टूटी नहीं है, बिल्कुल साबुत मजे की जबरदस्त लग रही है। इसमें 200 किलो चने की दाल डली है, विच मीन्स कि ये पकने के बाद तकरीबन 400 किलो हो जाएगी। इमेजिन, हमारे यहाँ तो पाव भर आती है और वो पकती है, तो वो भी दोपहर को पकाई तो शायद शाम को बच के दोबारा खानी पड़ जाती है। मेरे लिए इतनी बड़ी लर्निंग है सारे काम में। क्वांटिटी कुकिंग इज सो डिफिकल्ट, बट आई जस्ट प्रेज दीज पीपल कि ये लोग कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। एंड अगेन, सारी की सारी एक्टिविटी का क्रस्ट जो है वो एक ही है, यानी खिदमत और प्यार। इतने बड़े चमचे से ये दाल डाली जा रही है छोटी सी प्लेट में, जस्ट एन आर्ट। लंगर पे जो खाना तैयार होता है वो सारा का सारा खाना एक बहुत बड़े हॉल में सर्व किया जाता है, और इधर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, यानी ये लंगर कहते हैं कि किसी भी टाइम बंद नहीं होता। यहाँ पे जो लोग भी खाना खाने आते हैं वो सब एक कतार में बैठ जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग जो खिदमत कर रहे हैं खाना बाल्टियों में ला के, और इनको उन बाल्टियों से खाना सर्व करते जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे इनको साथ साथ पानी पिलाते जाते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पे ट्रे लेके सब लोग बाहर निकलते हैं, और वहाँ पे एक हाउस बने हुए जहाँ पे ट्रे को धोया जाता है। ये सारा का सारा अमल ये प्रूव करता है कि यहाँ पे बहुत प्यार, खुलूस और लगन से लोग काम करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, और इस जगह पे कुकिंग करने का मजा ही कुछ और है। एक जबरदस्त किस्म की डिश हम बनाएंगे, एक हावनदस्ता, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन। अगेन हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट, जो आम तौर पे आप समझते हैं कि आपको एक स्टीमर की जरूरत होती है। आज हम आपको एक बड़ा क्विक तरीका बताएंगे जिसमें बिल्कुल परफेक्ट स्टीम रोस्ट चिकन बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या ही फ्लेवर आएगा उसकी वजह ये कि इसको हम लकड़ी की आग पे पकाएंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा अदरक ये रफली इसमें काट देंगे हम। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हावन दस्ते में अदरक लहसुन, और इसको हम हल्का सा कूट लेंगे। बारबेक्यू का एक और इम्पोर्टेंट रूल, आग को बड़ा कंट्रोल करके रखना होता है। थोड़ा सा अलाव जलाया जिस तरह हमने जला लिया, अब ये दहक रहा है, कोयले बनते जा रहे हैं। जैसे ही हमें पूरी की पूरी प्रॉपर आग चाहिए होगी, हम इसमें मजीद लकड़ी डालेंगे तो फौरन जल जाएगी। ये एक और बड़ा गोल्डन रूल है बारबेक्यू का। अब इसमें हम डालेंगे इसके बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो इसको सही मानों में रोस्ट चिकन का फ्लेवर देंगे। नेशनल का सुर्ख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए होगा, ये इसमें हमने 2 टेबलस्पून शामिल कर लिया। नेशनल का हल्दी पाउडर, अगेन दिस वुड बी अनदर टीस्पून और सो। तो मैं समझता हूँ कि रोस्ट चिकन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहला आता है ज़ीरा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़ीरा को थोड़ा सा आप निकाल के अगर आप इसकी ताजगी चेक करना चाह रहे हैं, हल्का से इसको हाथों में ऐसे क्रश करें। ओह, ऐसा लगता है बिल्कुल ताज़ा ज़ीरा। यार इसमें हम तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। चौथा जो नेशनल का हम इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करें, दैट्स धनिया पाउडर, ये भी तकरीबन कोई 1.5 टेबलस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे। ये आ गया नेशनल का आयोडाइज सॉल्ट, ये हो गया तैयार। अब इसमें जो एक बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा, दैट्स लेमन जूस। इतने खूबसूरत जगहों में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कम से कम 1-2 लोग कम से कम जरूर बैठे हुए इस तरह मेरी तरह बारबेक्यू कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, इट्स जस्ट अमेजिंग। ये हो गया अगेन, दैट्स द बेनिफिट ऑफ कुकिंग नियर रिवर।
इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप बिल्कुल जब आप बोन टच कर ले उस वक्त से पहले इक्वल डिस्टेंस पे आप बराबर के इसमें कट्स लगा दे, दैट्स इट। कट्स हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कट किया और छोड़ दिया, इससे क्या होता है कि अंदर तक मैरिनेशन जाती नहीं। जब भी आप बाहर निकले घर से इस तरह का बारबेक्यू कर रहे हैं, मसाला सबसे पहले लगाएं ताकि आपको टाइम मिल जाए इस मसाले को अच्छी तरीके से गोश्त में इसका फ्लेवर आ जाए। दैट्स हाउ इट टर्न आउट वेरी गुड। आपने सिंपल एक एल्यूमिनियम फॉइल का पेपर काटा, उसमें आपने सिंपली ये चिकन रख देना है। उसके बाद हमने इसकी साइड्स को थोड़ा सा इस तरीके से रोल कर देंगे और ये एक छोटा सा मेकशिफ्ट आपका पॉट बन जाएगा या बैग बन जाएगा। दिस इज नाउ रेडी। इसके बाद हमने क्या किया है कि एक सिंपल डिश है जो हम आमतौर पर बारबेक्यू के लिए चिकन टिक्के की या सीख कबाब की, दोनों इस पर रख दिया और ये हमने इसकी थोड़ी सी सपोर्ट बना ली इस चिकन के लिए। अब आपने सिंपल ये चिकन लिया, दैट्स इट। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें हीट अंदर जानी शुरू होगी, ना कोई पानी डालने की जरूरत, ना कोई ऑयल डालने की जरूरत, स्टिल इट विल कम आउट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बीच में अगर आप चाहें चेक करना, आराम से ऊपर से इसकी ओपनिंग खोल के थोड़ा सा देख सकते हैं, बट आई थिंक फॉर गुड 25-30 मिनट्स बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क दिया है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे बैठ के इतनी खूबसूरत जगह में इस खाने को एंजॉय करूँ और इस माहौल को एंजॉय करूँ। यहाँ पे जस्ट बी केयरफुल, एकदम स्कीम जो स्टीम है ये एस्केप करने की कोशिश करेगी। थोड़ा सा इसको साइड से खोले, स्टीमिंग हॉट, जो भी खुशबू आ रही है ना, ओह वाह, बहुत ही मजा कोई आने वाला है। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान और हम पहुंच चुके हैं शेखपुरा। शहर को किला इस वजह से कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर ने एक जमाने में यहाँ पे किला भी तामीर करवाया था शहर के अंदर। चलते हैं और देखते हैं शेखपुरा, यहाँ के खाने, यहाँ की रवायात और यहाँ की सकाफत। आप सोच रहे हो शायद इसमें कोई मुसाफिर बैठते हैं, ये कोई मुसाफिर बस है, यू आर रॉन्ग। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सवारी करता है। इस ट्रक की सवारी कोई लोग नहीं है बल्कि स्ट्रॉबेरीज हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल का पाकिस्तान के, आप जब भी कोई परसेप्शन बनाते हैं किसी चीज के बारे में, ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जो आप ये इंजन देख रहे हैं, इसमें सबसे खास बात ये है कि ये कोई गाड़ी का इंजन नहीं है, ये पानी खींचने वाली एक मोटर है, एक मशीन है जिसको इन्होंने लगा के गाड़ी का काम दे रहे हैं। कुछ दाने चखाओ तो है। Check out the colors. It's so full of flavor. फार्म से निकल के जब फल और सब्जियां आप तक आती हैं, जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही कम न्यूट्रिशन लॉस होगा, यानी जितना ही ज्यादा टाइम लगेगा फार्म से मार्केट में आने तक उतनी ही ज्यादा उसकी गजाइत कम होती जाती है। सो द मोमेंट यू हैव इट, जिस तरह अभी मैं इनको खा रहा हूँ, they're full of nutrition and they will give you the max. शेखपुरा में हम खानपुर नहर के किनारे बैठे हुए और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की जगह में मिल गई। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, खाने एक से क्या ट्रेडिशनल फूड, और सबसे खास बात ये कि यहाँ पे ऐसे खाने मिले जो मैंने पहले कहीं और बनते हुए नहीं देखे। अच्छा, और खानों में क्या क्या चीजें यहाँ पे बनती हैं? हमारे पास सर चिकन पकौड़ा भी है, सादा पकौड़ा है, बैगन है, आलू वाली टिक्की है, केले वाली है, मिर्च है। मेरे ख्याल में भी जाके तो खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं और फिर देखते हैं बताते हैं हमको कैसा बना। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं अपनी इस सारी फीस्ट में से, मेरे लिए तो बुफे ही है, उसमें से मैं अपनी चॉइस की कुछ मछलियाँ, ये एक फिंगर फिश है फ्राइड एंड बोनलेस, थोड़े से पकौड़े और साथ ही यकीन पकौड़े हों और ये साथ में बैंगन के मिर्चें, आई लव इट स्पाइसी फूड। ये हो गई आपके गोश्त की टिक्की और ये हो गई आलू की टिक्की, नेशनल का चाट मसाला, टू गिव इट दैट वेरी ट्रेडिशनल मज़े का चाट का फ्लेवर। मुझे वैसे भी नेशनल का चाट मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है। Oh.
پنجاب کے تہواروں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں میوزیکل بینڈ کا ایک انتہائی انٹیگرل رول ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں موجود ہوں ان لوگوں کے درمیان جن کے بغیر اس ریجن میں شادی بیاہ اور دوسری خوشی کی دیگر تقریبات نامکمل ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان تقریبات میں، ان تہواروں میں خوشی کے رنگ بھرتے ہیں۔ میری شادی میں بینڈ آیا تھا، بڑا زبردست قسم کا بینڈ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ ایک دم وہ جیسی بارات اندر جا رہی ایک دم بینڈ بجنا شروع ہو گیا، مزہ آ گیا تھا بہت۔ سارے ڈریس میں نا جو پسند چیز مزے کی آتی ہے نا وہ یہ، یہ بڑا اسمارٹ لگتا ہے، کیا خیال ہے، ہے نا؟ یہ ان کے تمغے وغیرہ لگے ہوئے ماشاء اللہ، بڑے ڈریسڈ اپ ہیں۔ This is out of this world. بیگن کے پکوڑے بہت ہی کامن ہیں اور ہر جگہ کھائے جاتے ہیں۔ آئی لو دا ویجیٹیبلز جو کہ ہم عام طور پہ پکوڑوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم پکوڑے بناتے ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی سبزیاں شامل کرتے ہیں، ان تھوڑی سبزیوں سے اس کا اتنا فلیور نہیں آتا۔ جب بھی پکوڑے بناتے ہیں تو اس میں ہمیشہ سبزیاں لوگ بہت کم شامل کرتے ہیں۔ اریلی رائے کے پکوڑوں میں خوب ساری سبزیاں اور آلو کی ٹکی از مائی فیوریٹ فرام چائلڈ ہوڈ۔ بارش ہو رہی ہو تو ٹپیکل چیزیں ہیں جو یہ عام طور پہ بنائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ لنچ کے ٹائم پہ بھی لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ اور یہاں پہ میرے بیک گراؤنڈ میں ایک بڑی خوبصورت سی ٹرین چل رہی ہے، ریئلی لکس گڈ، امیزنگ۔ پیاز کاٹ لیے، اس کے ساتھ ساتھ اب میں آلو سلائس کروں گا، لیکن میں جس طریقے سے ڈالوں گا وہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہے۔ سب سے پہلے آلو کو سلائس کر لیں گے، اور اس کے بعد انہی آلوؤں کو ہم نے مزید، جس طرح پارٹی سلمز عام طور پہ چپس باریک کاٹے جاتے ہیں، بالکل میچ سٹک کٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے میں اس کو کاٹ لوں گا سارے کے سارے آلو کو۔ Just a little bit. اچھا جی، اس میں ہم نے تھوڑا سا نیچرل کا ہلدی پاؤڈر، اگین جسٹ ہاف اے ٹی اسپون، اس میں ہم نے ہلدی شامل کر دی۔ جو کسوری میتھی اگر اس میں ہم ایک ٹیبل اسپون شامل کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اگر یہ ڈرائیڈ فارم میں تھی، کوارٹر آف اے بنچ، یعنی گٹی ہم جو لیتے ہیں دھنیا پودینے کی، وہ تقریباً ون کوارٹر۔ لہٰذا اس کا زیادہ استعمال جو ہے اس کو تھوڑا سا کڑواہٹ دیتا ہے، سو اٹ ہیز ٹو بی ویری سیٹل۔ تھوڑا سا اس میں تقریباً ایک ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، نیشنل کا سفید زیرا ثابت، جسٹ ون ٹیبل اسپون۔ بہت زیادہ اسپائسی سم ٹائمس کچھ لوگ کھانوں کو بنا دیتے ہیں اور بعد میں کھائے نہیں جاتے، سو میک شیور کہ یو ہیو ٹو بی ویری پریسائز وتھ دس۔ ایک ٹیبل اسپون اس میں میں لال مرچی پاؤڈر شامل کر دوں گا۔ اچھا، مکس پہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کا مکس بہت گاڑھا رکھتے ہیں، کچھ پتلا رکھتے ہیں، اور اسی مکس سے ہم نے بینگن کے پکوڑے بھی بنانے ہیں، اور اسی مکس سے ہم نے آلو اور پیاز کے پکوڑے بھی بنانے ہیں۔ جب بھی یہ بنا رہے ہوں اس میں گٹھلیاں جو ہیں، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ، اچھی طریقے سے ہاتھ سے اس کو فیل کر کے پتلا کر لیں۔ اس میں میں تھوڑا سا چاپ کیا ہوا دھنیا شامل کر رہا ہوں، رف چاپ کریں، فائن چاپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ چاپ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک بال لے کے اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں تھوڑی سی ایک چینج کر رہا ہوں، آئی ایم جسٹ ایڈنگ اے لٹل بٹ آف منٹ، پودینہ، اور بہت ہی مزے کا تازہ مجھے ملا ہے۔ اوہ، اس کا فلیور، اس کا خوشبو بہت ہی مزے کی ہے۔ کوشش کریں گے اس کی تھوڑی سی مقدار دھنیا کے مقابلے میں تھوڑی سی کم، ایک دو عدد ہری مرچیں، تھوڑا سا میں اس میں پیاز فائن چاپ یا رف چاپ، ایون سلائس بھی شامل کر سکتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ پریفر سلائسز، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا ہے اس کا فلیور کہ اگر آپ اس کو چاپ کر دیں۔ یہ بھی اس میں آ گیا، نیشنل کا ثابت زیرا، اور یہ تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ ٹیبل اسپون میں اس میں شامل کر دوں گا۔ اس میں ہم شامل کر رہے ہیں نیشنل کا چاٹ مسالہ، اور اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا۔ اس میں تقریباً میں دو ٹیبل اسپون شامل کروں گا املی کا گودا۔ یہ مکس ہو گیا ریڈی۔ تھوڑا سا نمک شامل کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہے، تو نمک کی مقدار تھوڑی سی ذرا کم رکھیں۔ یہ اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا۔ اچھا جی، میرے پاس بوائلڈ پوٹیٹو میشڈ ہے، اور یہ میں اس میں شامل کروں گا تقریباً 3 سے 4 عدد درمیانے سائز کے، اور اس کو میں نے شامل کر دینا اس مکس میں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس بیسن کا مکس ریڈی، ہم نے اس کو سمپلی اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے۔ بیگن کو ہمیشہ آخر میں کاٹا کریں جب بھی اس کے پکوڑے بنائیں، اور میک شیور اس میں عام طور پہ کیڑے نکل آتے ہیں۔ اور آئل ہم نے یہاں پہ گرم ہونے کا رکھ دیا ہے، ڈیپ فرائی کرے گی ان سب کو۔ چیزیں ہمارے پاس تیار ہے، مکس تیار ہے پکوڑے کا۔ اچھا جی، بیگن کو ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس میں کوٹ کر لیا، اینڈ دس گوز ان دا آئل۔
और अब इसमें आ जाएंगी हमारी टिक्कियां जो हमने मैश बनाया था। आई मेक श्योर कि जब भी इस तरह की डिशेज मेरे घर में बनती है कम से कम टिक्की मैं एक्स्ट्रा जरूर बनवाता हूँ। इसको आपने अच्छी तरीके से कोट कर लेना है और इसके बाद ये भी इसमें आ गया। ओह वाओ, इसका मॉट अमेजिंग। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया। व्हाट आई एम गोना डू, मैं इसको थोड़ा साइड पे रख दूंगा थोड़ी देर के लिए। हर एक की अपनी परसेप्शन है कुकिंग के हवाले से कि कितना इसको पकाना चाहिए। आई थिंक दिस वुड बी मोर देन इनफ, 4 से 5 मिनट बहुत होंगे। अच्छा जी, तैयार हो चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं। एंड दिस इज माय मेकशिफ्ट प्लेट, इसको मैं इस पे सर्व कर लेता हूँ। और इसी मिक्स में अब हम आखिर में मिला देंगे वो सब्जियां, यानी आलू प्याज और हरी मिर्ची जो हमने आखिर में बचा के रखी हुई थी। इसके बन जाएंगे सिंपल पकौड़े। पकौड़े हो गए तैयार, लेकिन इनमें से सबसे खास चीज है आलू की टिक्की, और इसको मैं सर्व करूंगा नेशनल के चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा ऊपर में छिड़क दूंगा नेशनल का चाट मसाला। This entire journey was an exciting experience. Place, people and food. इस सफर को जारी रखते हुए हम मिलेंगे next week with another place. आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक और बड़े शहर सियालकोट में। सियालकोट की एक और बड़ी वजह शोहरत है इसके स्पोर्ट्स गुड। इसको ऐड करने के बाद आपको कोई और दूसरी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेशनल का चिकन टिक्का मसाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब खान और आप देख रहे हैं नेशनल का पाकिस्तान। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूं इसकी खास तारीखी अहमियत है। ये जगह सिख मजहब के बानी गुरु नानक की जाय पैदाइश है। जी हां, मैं मौजूद हूं ननकाना साहब में। सो लेट्स एक्सप्लोर ननकाना साहब। गंदम की वो फसल है जो दुनिया में सबसे पहले इंसान ने उगाई थी, जिसमें से मकई और गन्ना भी आता है। कुछ लोग गंदम की कटाई के बाद इसको पैक भी कर रहे हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है भाईजान, आप लोग के खैरियत से? ठीक ठाक है, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। कटाई के बाद सारी चली जाएगी, किधर जाती है? मालकाने घर में जाऊंगी, घर में गोदाम में जाऊंगी। एक रोटी की गंदम की बात करूँ तो इस एक टुकड़े में 20 दाने होंगे, इनने एक किलो रोटी बन जाती है। ले जी, ये एक रोटी की गंदम। आप सोचे कि हम लोग कैसे खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। ये एक रोटी की, ये किलो नहीं है। पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब दोनों साइड पे इस कटाई को बड़ा त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। बहुत ही एंजॉय किया जाता है इस फेस्टिवल को। बहुत सारी जगहों में इसकी खुशियां मनाई जाती है। आई थिंक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पार्ट मैं प्ले करूँ, थोड़ी सी कटाई करके देख तो लूँ। ये लोग तो ऐसे काटते, ऐसे हाथ चला के फौरन कैसे करते हो जी? जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा आसान लग रहा है, देखते हैं, लग ट्राई करते हैं। मुश्किल काम है, मुझे लगता है कि अगर मैं ये फसल को कोई 20 फुट का टुकड़ा भी काटूंगा ना, 4-5 लीटर पानी तो पी जाऊंगा। प्यास बहुत लग रही है, बड़ा एनर्जी वाला काम है भाई। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूँ ननकाना साहब के स्ट्रीट्स में, और बहुत ही गहम है कि भाई इतने सारी हमारी सिख बरादरी यहाँ पे आई हुई है। सब लोग इंडिया से आए हैं सब? कैसा लगा आपको आज यहाँ पे आना? कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? आपका ताल्लुक अमरीक सिंह, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी जगह है ननकाना साहब। ये हर सिख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अकाल तख्त पे जो लोग मत्था टेकते हैं, जी जी, ननकाना साहब पे मत्था टेकना जरूरी हो गया। आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? 85। जबरदस्त, आप इंडिया से हैं? ये तीसरी बार आए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये रूप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का लाडला रूप है। अच्छा, इन्हें लाडली फौज कहा जाता है। ये वो कहते हैं जी ड्रेस कोड इसका यही है कि इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो आप उस फौज या उस फोर्स का मेंबर कहलाएंगे। इस कॉज के लिए, इस चीज के लिए देखें कितनी इनकी डेडिकेशन है कि इस उम्र में यहाँ तक इस एज में चल के आए। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान जो कि गुरु नानक की जय पैदाइश है और बहुत ही खूबसूरत जगह, मेजेस्टिक बिल्डिंग्स। और सबसे खास बात इस सारे बैसाखी मेले की जो रौनक है वो यहाँ पे अब आपको काफी सारी नजर आएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस इवेंट। जी हम रेजिडेंशियल ब्लॉक में मौजूद है। हमारे चारों तरफ जो सिख यात्री हमारे मेहमान इंडिया से तशरीफ लाए वो यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। और बड़ी गहमा गहमी आप देख रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं और बड़ी चहल पहल है। और हमारे साथ हमारे एक मेहमान आए हुए इंडिया से, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? नाम है जोगिंदर सिंह। अच्छा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मैं तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम कभी इधर आएंगे। अच्छा, पहले आए हैं इधर? नहीं सर, मगर आज हमारे दिल में इतनी खुशी है कि हम बहुत खुश हैं कि हमने इधर आकर आप दर्शन किए हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फेस्टिविटी का अगर एक लफ्ज इजाद हुआ है मेरे ख्याल में वो इस दिन के लिए हुआ है। अमेजिंग पार्टीज के ख्वातीन, मर्द, हजरात, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ बैठे हुए, दे आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच। पकाएंगे क्या इसे आप लोग? सब्जी की क्या डलेगा इसमें? मटर डलेंगे, आलू डलेंगे। ये खाना इतना मजे का बनना है, इतना मजे का बनना है। ये सारा आपकी प्यार मोहब्बत जिसमें आप डाल रहे हैं ना, जो हम खाने में मिर्च मसाले जो और चीज़ें डालते हैं उससे तो लज्जत आती है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ खाने में मेरे ख्याल में प्यार जब तक नहीं होगा ना, दिल से नहीं बनेगा और इस तरह बनेगा, बहुत मज़े का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहमान नवाजी का इतना खूबसूरत मुजाहरा आप देखें कि लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखें साहब आए और चलते गए और उन्होंने देखा कि आलू कट रहे हैं और उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। बहुत ही खूबसूरत रिवायत। और मेरे ख्याल में मेहमान की हम तो आमतौर पे जब घर में आते खाना खिलाते हैं, लेकिन हाथ से पकाना उनके लिए और इतने सारे मेहमानों के लिए, दैट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक सेक्शन देखा था जिसमें सब्जियों की कटाई और मटर छीले जा रहे थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े लार्ज साइज की कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। जब मैंने ये सब्जी देखी ना, मैंने कहा ओहो, ये तो देखने से इतनी खूबसूरत लग रही है, आई एम श्योर बहुत ही मजे की बनी होगी। एक वक्त में कितने लोगों का खाना बनाते होंगे अंदाजा आपको? इधर भाई नगर है, 5,000 आदमी भी होते हैं, 6,000 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 3 अच्छा, भी होते हैं। इतना मुश्किल काम है ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में पकाना। एंड सी, यू कैन सी स्टिल सी के आलू टूटा नहीं है, भिंडी टूटी नहीं है, बिल्कुल साबुत, मजे की, जबरदस्त लग रही है। इसमें 200 किलो चने की दाल डली है, विच मीन्स कि ये पकने के बाद तकरीबन 400 किलो हो जाएगी। इमेजिन, हमारे यहाँ तो पाव भर आती है और वो पकती है तो वो भी दोपहर को पकाई तो शायद शाम को बच के दोबारा खानी पड़ जाती है। मेरे लिए इतनी बड़ी लर्निंग है सारे काम में, क्वांटिटी कुकिंग इज सो डिफिकल्ट, बट आई जस्ट प्रेज दीज पीपल कि ये लोग कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। एंड अगेन, सारी की सारी एक्टिविटी का क्रस्ट जो है वो एक ही है, यानी खिदमत और प्यार। इतने बड़े चमचे से ये दाल डाली जा रही है छोटी सी प्लेट में, जस्ट एन आर्ट। लंगर में जो खाना तैयार होता है वो सारा का सारा खाना एक बहुत बड़े हॉल में सर्व किया जाता है और इधर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, यानी ये लंगर कहते हैं कि किसी भी टाइम बंद नहीं होता। यहाँ पे जो लोग भी खाना खाने आते हैं वो सब एक कतार में बैठ जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग जो खिदमत कर रहे हैं खाना बाल्टियों में ला के और इनको उन बाल्टियों से खाना सर्व करते जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे इनको साथ साथ पानी पिलाते जाते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पे ट्रे लेके सब लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ पे एक हॉज बने हुए जहाँ पे ट्रे को धोया जाता है। ये सारा का सारा अमल ये प्रूव करता है कि यहाँ पे बहुत प्यार, खुलूस और लगन से लोग काम करते हैं। देखिए कितना कोई खूबसूरत नजारा है और इस जगह पे कुकिंग करने का मजा ही कुछ और है। एक जबरदस्त किस्म की डिश हम बनाएंगे, एक हावरदस्ता, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन। अगेन हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट, जो आम तौर पे आप समझते हैं कि आपको एक स्टीमर की जरूरत होती है। आज हम आपको एक बड़ा क्विक तरीका बताएंगे जिसमें बिल्कुल परफेक्ट स्टीम रोस्ट चिकन बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या ही फ्लेवर आएगा उसकी वजह ये कि इसको हम लकड़ी की आग पे पकाएंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा अदरक,
ये रफली इसमें काट देंगे हम। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हावन दस्ते में अदरक लहसुन और इसको हम हल्का सा कूट लेंगे। बारबेक्यू का एक और इम्पोर्टेंट रूल, आग को बड़ा कंट्रोल करके रखना होता है। थोड़ा सा अलाव जलाया जिस तरह हमने जला लिया, अब ये दहक रहा है, कोयले बनते जा रहे हैं। जैसे ही हमें पूरी की पूरी प्रॉपर आग चाहिए होगी, हम इसमें मजीद लकड़ी डालेंगे तो फौरन जल जाएगी। ये एक और बड़ा गोल्डन रूल है बारबेक्यू का। अब इसमें हम डालेंगे इसके बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो इसको सही मानों में रोस्ट चिकन का फ्लेवर देंगे। नेशनल का सुर्ख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जरा मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए होगा, ये इसमें हमने 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया। नेशनल का हल्दी पाउडर, अगेन दिस वुड बी अनदर टीस्पून और सो। तो मैं समझता हूँ कि रोस्ट चिकन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहला आता है ज़ीरा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ज़ीरा को थोड़ा सा आप निकाल के अगर आप इसकी ताजगी चेक करना चाह रहे हैं, हल्का से इसको हाथों में ऐसे क्रश करें। ओह, ऐसा लगता है बिल्कुल ताज़ा ज़ीरा। या इसमें हम तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। चौथा जो नेशनल का इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करें, दैट्स धनिया पाउडर, ये भी तकरीबन कोई 1.5 टेबलस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे। ये आ गया नेशनल का आयोडाइज सॉल्ट, ये हो गया तैयार। अब इसमें जो एक बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा, दैट्स लेमन जूस। इतने खूबसूरत जगहों में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कम से कम 1-2 लोग कम से कम जरूर बैठे हुए इस तरह मेरी तरह बारबेक्यू कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, इट्स जस्ट अमेजिंग। ये हो गया अगेन, दैट्स द बेनिफिट ऑफ कुकिंग नियर रिवर। इट्स सो इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल जब आप बोन टच कर ले उस वक्त से पहले इक्वल डिस्टेंस पे आप बराबर के इसमें कट्स लगा दे, दैट्स इट। कट्स हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कट किया और छोड़ दिया, इससे क्या होता है कि अंदर तक मैरिनेशन जाती नहीं। जब भी आप बाहर निकलें घर से इस तरह का बारबेक्यू कर रहे हैं, मसाला सबसे पहले लगाएं ताकि आपको टाइम मिल जाए इस मसाले को अच्छी तरीके से गोश्त में इसका फ्लेवर आ जाए। दैट्स हाउ इट टर्न आउट वेरी गुड। आपने सिंपल एक एल्युमिनियम फॉइल का पेपर काटा, उसमें आपने सिंपली ये चिकन रख देना है। उसके बाद हमने इसकी साइड्स को थोड़ा सा इस तरीके से रोल कर देंगे और ये एक छोटा सा मेकशिफ्ट आपका पॉट बन जाएगा या बैग बन जाएगा। दिस इज नाउ रेडी। इसके बाद हमने क्या किया है कि एक सिंपल टिक्के जो हम आमतौर पर बारबेक्यू के लिए चिकन टिक्के की या सीख कबाब की दोनों इस पर रख दिया और ये हमने इसकी थोड़ी सी सपोर्ट बना ली इस चिकन के लिए। अब आपने सिंपल ये चिकन लिया, दैट्स इट। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें हीट अंदर जानी शुरू होगी, ना कोई पानी डालने की जरूरत, ना कोई ऑयल डालने की जरूरत, स्टिल इट विल कम आउट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बीच में अगर आप चाहें चेक करना, आराम से ऊपर से इसकी ओपनिंग खोल के थोड़ा सा देख सकते हैं, बट आई थिंक फॉर गुड 25-30 मिनट्स बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क दिया है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे बैठ के इतनी खूबसूरत जगह में इस खाने को इंजॉय करूँ और इस माहौल को इंजॉय करूँ। यहाँ पे जस्ट बी केयरफुल, एकदम स्कीम जो स्टीम है ये एस्केप करने की कोशिश करेगी। थोड़ा सा इसको साइड से खोलें, इट्स स्टीमिंग हॉट, इसकी जो भी खुशबू आ रही है ना, ओ वाह, बहुत ही मजा कोई आने वाला है। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान और हम पहुंच चुके हैं शेखुपुरा। शहर को किला इस वजह से कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर ने एक जमाने में यहाँ पे किला भी तामीर करवाया था शहर के अंदर। चलते हैं और देखते हैं शेखपुरा, यहाँ के खाने, यहाँ की रवायात और यहाँ की सकाफत। आप सोच रहे होंगे शायद इसमें कोई मुसाफिर बैठते हैं, ये कोई मुसाफिर बस है, यू आर रॉन्ग। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सवारी करता है। इस ट्रक की सवारी कोई लोग नहीं है बल्कि स्ट्रॉबेरीज हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल का पाकिस्तान के, आप जब भी कोई परसेप्शन बनाते हैं किसी चीज के बारे में, ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जो आप ये इंजन देख रहे हैं, इसमें सबसे खास बात ये है कि ये कोई गाड़ी का इंजन नहीं है, ये पानी खींचने वाली एक मोटर है, एक मशीन है जिसको इन्होंने लगा के गाड़ी का काम दे रहे हैं। कुछ दाने चखाओ तो है। Check out the colors. It's so full of flavor. फार्म से निकल के जब फल और सब्जियां आप तक आती हैं, जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही कम न्यूट्रिशन लॉस होगा। यानी जितना ही ज्यादा टाइम लगेगा फार्म से मार्केट में आने तक,
اتنی زیادہ اس کی غذائیت کم ہوتی جاتی ہے. So the moment you have it, جس طرح ابھی میں ان کو کھا رہا ہوں, they are full of nutrition and they will give you the max. शेखपुरा में हम खानपुर नहर के किनारे बैठे हुए और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की जगह में मिल गई. बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, खाने एक से एक, क्या ट्रेडिशनल फूड. और सबसे खास बात ये कि यहाँ पे ऐसे खाने मिले जो मैंने पहले कहीं और बनते हुए नहीं देखे. अच्छा, और खानों में क्या क्या चीजें यहाँ पे बनती है? हमारे पास सर चिकन पकौड़ा भी है, सादा पकौड़ा है, बैगन है, आलू वाली टिक्की है, केले वाली है, मिर्च है. मेरे ख्याल में भी जाके तो खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं और फिर देखते हैं, बताते हैं हमको कैसा बना. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू. میں اپنی اس ساری فیش میں سے, میرے لیے تو بوفے ہی ہے, اس میں سے میں اپنی چوائس کی کچھ مچھلیاں, یہ ایک فنگر فش ہے فرائڈ اینڈ بون لیس, تھوڑے سے پکوڑے اور ساتھ ہی اگین پکوڑے ہوں اور یہ ساتھ میں بینگن کے مرچیں. آئی لو اٹ اسپائسی فوڈ. یہ ہو گئی آپ کے گوشت کی ٹکی اور یہ ہو گئی آلو کی ٹکی, نیشنل کا چاٹ مسالہ. ٹو گیو اٹ دیٹ ویری ٹریڈیشنل مزے کا چاٹ کا فلیور. مجھے ویسے بھی نیشنل کا چاٹ مسالہ بہت زیادہ پسند ہے. پنجاب کے تہواروں, شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں میوزیکل بینڈ کا ایک انتہائی انٹیگرل رول ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں موجود ہوں ان لوگوں کے درمیان جن کے بغیر اس ریجن میں شادی بیاہ اور دوسری خوشی کی دیگر تقریبات نامکمل ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان تقریبات میں, ان تہواروں میں خوشی کے رنگ بھرتے ہیں. میری شادی میں بینڈ آیا تھا, بڑا زبردست قسم کا بینڈ تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. وہ ایک دم, وہ جیسی بارات اندر جائے ایک دم بینڈ بجنا شروع ہو گیا, مزہ آ گیا تھا بہت. سارے ڈریس میں نا جو پسند چیز مزے کی آتی ہے نا وہ یہ, یہ بڑا اسمارٹ لگتا ہے, کیا خیال ہے, ہے نا؟ تو یہ ان کے تمغے وغیرہ لگے ہوئے ماشاء اللہ, بڑے ڈریسڈ اپ ہیں. This is out of this world. بیگن کے پکوڑے بہت ہی کامن ہیں اور ہر جگہ کھائے جاتے ہیں. آئی لو دا ویجیٹیبلز جو کہ ہم عام طور پہ پکوڑوں میں شامل کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم پکوڑے بناتے ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی سبزیاں شامل کرتے ہیں, ان تھوڑی سبزیوں سے اس کا اتنا فلیور نہیں آتا. جب بھی پکوڑے بناتے ہیں تو اس میں ہمیشہ سبزیاں لوگ بہت کم شامل کرتے ہیں. اریلی لائک کے پکوڑوں میں خوب ساری سبزیاں ہوں, اور آلو کی ٹکی از مائی فیوریٹ فرام چائلڈ ہوڈ. بارش ہو رہی ہو تو ٹیپیکل چیزیں ہیں جو یہ عام طور پہ بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ لنچ کے ٹائم پہ بھی لوگ کھاتے ہیں اس کو. اور یہاں پہ میرے بیک گراؤنڈ میں ایک بڑی خوبصورت سی ٹرین چل رہی ہے, ریلی لکس گڈ, امیزنگ. پیاز کاٹ لی, اس کے ساتھ ساتھ اب میں آلو سلائس کروں گا, لیکن میں جس طریقے سے ڈالوں گا وہ تھوڑے سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. سب سے پہلے آلو کو سلائس کر لیں گے اور اس کے بعد انہی آلوؤں کو ہم نے مزید, جس طرح پارٹی سلمز عام طور پہ چپس باریک کاٹے جاتے ہیں, بالکل میچ سٹک کٹنگ جس کو کہتے ہیں, اس طریقے سے میں اس کو کاٹ لوں گا سارے کے سارے آلو کو. Just a little bit. اچھا جی, اس میں ہم نے تھوڑا سا نیشنل کا ہلدی پاؤڈر, اگین جسٹ اے ہاف اے ٹی اسپون, اس میں ہم نے ہلدی شامل کر دی. جو کسوری میتھی اگر اس میں ہم ایک ٹیبل اسپون شامل کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اگر یہ ڈرائیڈ فارم میں تھی, کوارٹر آف اے بنچ, یعنی گٹی ہم جو لیتے ہیں دھنیا پودینے کی, وہ تقریباً ون کوارٹر. زیادہ اس کا زیادہ استعمال جو ہے اس کو تھوڑا سا کڑواہٹ دیتا ہے, سو اٹ ہیز ٹو بی ویری سیٹل. تھوڑا سا اس میں تقریباً ایک ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر, نیشنل کا سفید زیرہ ثابت, جسٹ ون ٹیبل اسپون. بہت زیادہ اسپائسی سم ٹائمس کچھ لوگ کھانوں کو بنا دیتے ہیں اور بعد میں کھائے نہیں جاتے, سو میک شیور کہ یو ہیو ٹو بی ویری پریسائز وتھ دس. ایک ٹیبل اسپون اس میں میں لال مرچی پاؤڈر شامل کر دوں گا. اچھا, مکس پہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ اس کا مکس بہت گاڑا رکھتے ہیں, کچھ پتلا رکھتے ہیں, اور اسی مکس سے ہم نے بینگن کے پکوڑے بھی بنانے ہیں اور اسی مکس سے ہم نے آلو اور پیاز کے پکوڑے بھی بنانے ہیں. جب بھی یہ بنا رہے ہوں
इसमें गुठलियाँ जो हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से हाथ से इसको फील करके पतला कर लें। इसमें मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया शामिल कर रहा हूँ, रफ चॉप करें, फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं। चॉप करने के बाद यहाँ पे एक बॉल लेके इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ साथ इसमें मैं थोड़ी सी एक चेंज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ मिंट पुदीना, और बहुत ही मज़े का ताज़ा मुझे मिला है। ओह इसका फ्लेवर, इसका खुशबू बहुत ही मज़े की है। कोशिश करेंगे इसकी थोड़ी सी मकदार धनिया के मुकाबले में थोड़ी सी कम, एक दो अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैं इसमें प्याज फाइन चॉप या रफ चॉप इवन स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर स्लाइसेस। मैं समझता हूँ कि बेहतर होता है इसका फ्लेवर कि अगर आप इसको चॉप कर दें। ये भी इसमें आ गया नेशनल का साबुत ज़ीरा, और ये तकरीबन कोई एक डेढ़ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगा। इसमें हम शामिल कर रहे हैं नेशनल का चाट मसाला, और इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तकरीबन मैं दो टेबल स्पून शामिल करूँगा इमली का गूदा। ये मिक्स हो गया रेडी, थोड़ा सा नमक शामिल करना है, लेकिन ये जहन में रखेंगे चाट मसाला में भी नमक है, तो नमक की मिकदार थोड़ी सी ज़रा कम रखें। ये इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। अच्छा जी, मेरे पास बॉइल्ड पोटैटो मैश्ड है, और ये मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन तीन से चार अदद दरमियाने साइज़ के, और इसको मैंने शामिल कर देना है इस मिक्स में। और उसके बाद हमारे पास बेसन का मिक्स रेडी है, हमने इसको सिंपली इसमें डिप करना है और उसको डीप फ्राई कर लेना है। बैगन को हमेशा आखिर में काटा करें जब भी इसके पकौड़े बनाएं, और मेक श्योर इसमें आम तौर पे कीड़े निकल आते हैं। और ऑयल हमने यहाँ पे गर्म होने के रख दिया है, डीप फ्राई करेगी इन सबको। चीज़ें हमारे पास तैयार है, मिक्स तैयार है पकौड़े का। अच्छा जी, बैगन को हमने इसको अच्छी तरीके से इसमें कोट कर लिया, एंड दिस गोज इन द ऑयल। और अब इसमें आ जाएंगी हमारी टिक्कियाँ जो हमने मैश बनाया था। आई मेक श्योर कि जब भी इस तरह की डिशेज मेरे घर में बनती है कम से कम टिक्की मैं एक्स्ट्रा ज़रूर बनवाता हूँ। इसको आपने अच्छी तरीके से कोट कर लेना है, और इसके बाद ये भी इसमें आ गया। ओह वाओ, इसका मॉट अमेजिंग। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा आई एम गोना डू कि मैं इसको थोड़ा साइड पर रख दूंगा थोड़ी देर के लिए। हर एक की अपनी परसेप्शन है कुकिंग के हवाले से कि कितना इसको पकाना चाहिए। आई थिंक दिस वुड बी मोर देन इनफ, चार से पाँच मिनट बहुत होंगे। अच्छा जी, ये तैयार हो चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं, एंड दिस इज माय मेकशिफ्ट प्लेट। इसको मैं इस पर सर्व कर लेता हूँ, और इसी मिक्स में अब हम आखिर में मिला देंगे वो सब्जियाँ, यानी आलू प्याज और हरी मिर्ची जो हमने आखिर में बचा के रखी हुई थी। इसके बन जाएंगे सिंपल पकौड़े। पकौड़े हो गए तैयार, लेकिन इनमें से सबसे खास चीज़ है आलू की टिक्की, और इसको मैं सर्व करूंगा नेशनल के चिली गार्लिक सॉस, और थोड़ा सा ऊपर में छिड़क दूंगा नेशनल का चाट मसाला। This entire journey was an exciting experience. Place, people and food. इस सफर को जारी रखते हुए हम मिलेंगे next week with another place. आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक और बड़े शहर सियालकोट में। सियालकोट की एक और बड़ी वजह शोहरत है इसके स्पोर्ट्स गुड। इसको ऐड करने के बाद आपको कोई और दूसरी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेशनल का चिकन टिक्का मसाला,